तो गाइस कैसे हैं आप सब, भाई हो अच्छे होंगे। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको काइंड मास्टर के कुछ टिप्स एंड ट्रिक बताने वाला हूं। मतलब एक तरीके से अगर आप अपनी वीडियो को काइंड मास्टर के थ्रू एडिट करते हैं तो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। काफ़ी सारे जो फंक्शन होते हैं या फीचर होते हैं काइंड मास्टर के, काफ़ी लोगों को नहीं मालूम है। तो ये जो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जब भी आप अपनी यूट्यूब वीडियोज़ को एडिट करेंगे तो काफ़ी आपकी जो है हेल्प होने वाली है इन फीचर के जरिए। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो गाइस चलते हैं नंबर वन टिप की ओर। अब इसमें आपको क्या करना है, जैसे काइंड मास्टर में आप कोई भी नॉर्मल वीडियो अपनी एडिट करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, हम अपनी वीडियो के लिए जो है थंबनेल की फ़ोटो जो है क्लिक करना भूल जाते हैं और वीडियो के अंदर ही काफ़ी ऐसे जो है पार्ट होते हैं जो हमें पसंद आ जाते हैं, मतलब उसको एज ए हम जो है थंबनेल लगाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह लेते हैं, उसको एडिट करते हैं। बट इसमें जैसे आप काइंडमास्टर में वीडियो एडिट करेंगे, आप जैसे सपोज़ कीजिए ये वाला पार्ट जो है मुझे कैप्चर करना है, मतलब इसकी हमको जो है फ़ोटो लेनी है, तो साइड में आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कैप्चरिंग का, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैप्चर एंड सेव। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो वीडियो की स्क्रीन पे जितना आपको वीडियो का पार्ट दिख रहा है इसकी एक फ़ोटो क्लिक होकर आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो मतलब थंबनेल वगैरह अगर आप भूल जाते हैं लेना वीडियो के लिए तो आप जो है काइंडमास्टर से भी उसको जो है कैप्चर कर सकते हैं। अब गाइस चलते हैं नंबर दूसरी टिप की ओर। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे एज ए बैकग्राउंड हम जो है थीम का यूज़ करते हैं ताकि वीडियो हमारी थोड़ी जो है अट्रैक्टिव लगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऑडियो वाले पार्ट में जाते हैं और यहाँ से कोई भी एक जो है बैकग्राउंड जो म्यूज़िक होता है उसको हम ले लेते हैं। ठीक है, आप सपोज़ कीजिए जो आपकी वीडियो है उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है और आपकी जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है उसकी लेंथ यहाँ पे कम है, जैसे कि आप अभी आप देख रहे हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, दोबारा से ऑडियो में जाएंगे और दोबारा से इसी ऑडियो को या दूसरी कोई भी ऑडियो हमको लगानी होगी तो हम उसको जो है ऑडियो में जाके लेंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको जो है इसकी लेयर पर क्लिक करना है ऑडियो की और यहाँ पर आपको जो है डकिंग और यहाँ पर नीचे आपको लूप का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको आपको जो है लूप टू एंड, यानी कि कहने का मतलब है जितना आपका वीडियो वाला पार्ट है मतलब जितनी उसकी लेंथ है उतनी ही आपकी जो है जो एज ए बैकग्राउंड म्यूज़िक आपने लगाया है उसकी भी लेंथ इतनी ही हो जाएगी। तो आपको बार बार ही जो है ऑडियो लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली जो है इस ऑप्शन को इनेबल कर देना है। तो गाइज़ अब चलते हैं नंबर तीसरे टिप की ओर। इसके लिए गाइस जैसे आपका कोई भी फ़नी चैनल है या जो है रोस्टिंग का चैनल है तो उसमें आपको पता होगा कि फ़नी ऑडियो काफ़ी सारी जो है चाहिए होती है। अब आपके पास जो है ऑडियो नहीं है बल्कि एक वीडियो है और उसका जो है आपको ऑडियो निकालना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, लेयर पे जाना है, मीडिया में जाना है और जहाँ भी आपकी जो है वीडियो पड़ी हुई है उसको यहाँ पर इस तरीके से ले लेना है। अब आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, इस पर सबसे नीचे आना है, यहाँ पे जो है आपको एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना है सिंपली, मैंने शायद आपको पहले भी बता रखा होगा। उसके बाद आपको वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ से इसको जो है डिलीट कर देना है। अब इस जो है वीडियो की जो ऑडियो वो आपके सामने आ चुकी है और इसको जहाँ मर्जी आप जो है लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। अब गाइस चलते हैं फोर्थ टिप की ओर। और इसमें जैसे वीडियो आपकी स्टार्ट होती है या वीडियो आपकी एंड होती है तो आपको थोड़ा सा उसमें जो है अगर आप एनिमेशन लगाना चाहते हैं, जैसे कि आप टीवी वगैरह या कोई भी मूवी वगैरह शुरू होती है तो उसमें आपने देखा होगा एकदम से ब्लैंक रहता है उसके बाद एकदम से उजाला होता है, तो वो आप भी कर सकते हैं अपनी वीडियो के अंदर। तो इसके लिए आपको क्या करना है, साइड में आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कैप्चरिंग के नीचे, इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको वीडियो वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो फेड इन और वीडियो फेड आउट, इन दोनों ही ऑप्शन को आपको इस तरीके से इनेबल कर देना है। और यहाँ पर आप जो इसकी टाइमिंग देख रहे हैं दोनों की 2 सेकेंड की, इसको जो है आपको 150 पे कर देना है, इस तरीके से दोनों को ही आपको जो है 150 पे कर देना है। उसके बाद बैक आना है, आप देखिए आपकी वीडियो कैसे स्टार्ट होगी, तो थोड़ा सा ब्लैंक हुआ था उसके बाद आपकी वीडियो जो है स्टार्ट होनी स्टार्ट हो गई और यहाँ पे आप जो है एंड वाला पार्ट भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर भी जो है आपकी वीडियो जो है एकदम से ब्लैंक हो गई है। तो इस तरीके से गाइस आप भी कर सकते हैं और आपकी वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी जब स्टार्ट और एंड होगी। तो गाइस अब चलते हैं नंबर फिफ्थ टिप की ओर। इसमें आपको क्या करना है, जैसे आपका जो काइंडमास्टर है वो अभी अभी आपने डाउनलोड किया है या जो है आपका ओल्ड वर्जन का काइंडमास्टर है तो उसमें एक सेटिंग होती है, जैसे मैं इसको जो है एक्सपोर्ट करता हूँ अपनी वीडियो को, इसमें आपने देखा होगा आपके जो काइंडमास्टर है उसमें जो फ्रेम रेट होता है वो यहाँ पर 30 दिखाता है,
60 नहीं दिखाता होगा या 50 नहीं दिखाता होगा। तो इसकी गाइज एक सेटिंग होती है, उसको ज़रूर आपको इनेबल कर देना है ताकि आप जो है अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करो तो उसको जो है 60 फ्रेम रेट में कर सको। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बैक आना है और यहाँ पे आपको जो काई मास्टर का स्टार्टिंग पॉइंट होता है उस पर आना है। यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। सबसे नीचे आना है, यहाँ पे आपको एडवांस एंड एक्सपेरिमेंटल सेटिंग्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनेबल सेविंग विद अप टू 60 FPS, ये जो ऑप्शन है इसको सिंपली आपको जो है इनेबल कर देना है। उसके बाद जब भी आप अपनी कोई भी वीडियो एक्सपोर्ट करोगे तो आपको जो है 60 FPS का जो फ्रेम रेट है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो गाइस अब चलते हैं नंबर 6 टिप की ओर, और इसमें आपको क्या करना है, आपकी वीडियो जो है यहाँ पे एडिट वगैरह हो चुकी है और अब आपको लगाना है यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूज़िक। तो इसको आपको इस तरीके से लगा देना है। आप सपोज़ कीजिए आपको जो नेक्स्ट जो भी आप बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाना चाहते हैं उसको यहाँ से आपको चेंज कर देना है। मतलब अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आपको जो है दोबारा से यहाँ पर अपनी दूसरी ऑडियो यहाँ पर लगा देनी है। हालाँकि ये एक ही है, जस्ट मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, कभी कभी क्या होता है जैसे यहाँ पे एंडिंग वाला पार्ट मतलब एंड हुआ है उसके बाद दूसरा यहाँ पे एकदम से स्टार्ट हो जाता है तो व्यूअर को पता चल जाता है कि आपने जो है दो बैकग्राउंड म्यूज़िक का यूज़ किया हुआ है। अगर वो ध्यान से सुनेगा तो वैसे तो खैर पता चल ही जाता है, लेकिन थोड़ा सा और आपको जो है अट्रैक्टिव लगाना है एकदम से, मतलब व्यूअर को ना पता चले कि आपने जो है दो बैकग्राउंड या तीन बैकग्राउंड म्यूज़िक का यूज़ किया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो अपना पहला बैकग्राउंड म्यूज़िक है उसके जो एंडिंग वाला पार्ट है उससे 4-5 सेकंड आपको पहले यहाँ पे रुक जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है वॉल्यूम मैनुअल का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है और प्लस का आइकन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है और इसका जो एंडिंग वाला पार्ट है दोबारा यहाँ पे आना है और यहाँ पे जो 100% वॉल्यूम एनवल आप देख रहे हैं उसको यहाँ पर आपको बिल्कुल नीचे कर देना है, लाइन को बिल्कुल जो है यहाँ पर जड़ पर लग जाए। इसी तरीके से आपको क्या करना है, जो आपने दूसरा बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाया है इसको आपको 4-5 सेकंड आगे जो है यहाँ पे स्टॉप कर देना है, दोबारा से वॉल्यूम एनवलप पे जाना है, यहाँ पे आपको जो है प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, दोबारा स्टार्टिंग वाले पोजीशन पे जाना है, इसको भी आपको जो है इसको जो है इसकी लाइन को बिल्कुल जड़ पे लगा देना है। अब इससे गाइस ये होगा कि आपकी जो वीडियो का एंडिंग वाला पार्ट है वो एकदम से स्लो उसकी वॉल्यूम हो जाएगी और यहाँ से एकदम से उसकी जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे मतलब जो दूसरा वाला म्यूज़िक है उसकी भी जो वॉल्यूम है यहाँ से स्लो ही स्टार्ट होगी। तो मतलब एकदम से व्यूअर को पता नहीं चल पाएगा कि आपने जो है दो बैकग्राउंड म्यूज़िक का यूज़ किया है। तो गाइज़ ये थे 6 टिप, आई होप आपको पसंद आए होंगे। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।